नमस्कार हिमाचल, तो पेश है आज दिन भर के मुख्य समाचार। युवा विजय संकल्प रैली, पीएम मोदी बोले हिमाचल को वैश्विक फार्मा हब बनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हिमाचल न आने का मलाल है, यह जनता का प्यार है कि वो भारी बारिश में कुर्सियों का छाता बनाकर खड़े हैं। मंडी में हो रहा आयोजन युवाओं के जोश का प्रतीक है, दुनिया में भारत की साख जैसे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि वैसे दुनिया हमसे जुड़ने के लिए उत्सुक है, कुल्लू शॉल चंबा चप्पल को GI टैग मिला है, विश्व में इन उत्पादों ने अपनी जगह बनाई है। जब भी विदेशी दौरा होता है तो हिमाचल के उत्पाद उपहार में देता हूँ ताकि उन्हें बता सकूँ कि किस प्रकार मैं हिमाचल से जुड़ा हूँ। पीएम ने कहा कि हिमाचल को वैश्विक फार्मा हब बनाया जाएगा। हिमाचल प्रदेश किसान बागवानों का राज्य है, इसको केंद्र की नीतियों से बल मिल रहा है, युवाओं को रोजगार मिल रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी फोन कर मोदी जयराम से बोले, पड्डल जाकर बारिश में भीग रही जनता की चिंता करो। बारिश के बीच कांगड़ी हेलीपैड में इंतजार कर रहे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद फोन करके कहा कि पड्डल जाकर बारिश में भीग रही जनता की चिंता करो, अपना संबोधन शुरू करो, मौसम बेहद खराब है, मैं दिल्ली से ही वर्चुअल संवाद करूंगा। इसके बाद करीब 12:15 बजे मुख्यमंत्री पड्डल पहुँचे और उन्होंने अपने संबोधन में पीएम का दौरा रद्द होने की बात कही। इस दौरान खचाखच भरे पड्डल मैदान में मायूसी छा गई। वहीं आपको बता दें कि लेकिन वर्चुअली पीएम के जुड़ने का सुनकर युवाओं ने जोश के साथ नारे लगाना शुरू किए और बारिश से बचने के लिए कुर्सियां सिर पर रखकर पीएम और सीएम का संबोधन सुना। दूसरी ओर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि पड्डल में भीड़ जुटाने में कामयाब रहे, लेकिन मौसम ने साथ नहीं दिया। कई साथियों को पड्डल तक पहुंचने का मौका ही नहीं मिला, रास्ते में ही फंसे रहे। कहा कि छोटी काशी मंडी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करना राज्य के लोगों के लिए गर्व का क्षण होगा, लेकिन खराब मौसम के कारण प्रधानमंत्री मंडी नहीं आ सके। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क में होगी कस्तूरी मृग भूरे भालुओं की गणना। जैव विविधता के संरक्षण के साथ वन्य प्राणियों के लिए जीवन रक्षक बने ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क में दुर्लभ प्रजातियों में शुमार कस्तूरी मृग की गणना की जाएगी, वहीं भूरा भालू के साथ ब्लू शिप की गणना की जाएगी। पार्क में इन दुर्लभ प्रजातियों के वन्य प्राणियों की मौजूदगी के आंकड़े साल के अंत तक सामने आ जाएंगे। वहीं दशहरा के बाद कस्तूरी मृग, ब्लू शिप, नीली भेड़ और भूरा भालू की गिनती आरंभ की जाएगी। विद्यार्थियों को स्कूल वर्दी की सिलाई के लिए मिलेंगे पैसे, अभिभावकों के खाते में आएगी इतनी राशि। शिक्षा विभाग ने सभी जिला उपनिदेशकों को पहली से दसवीं कक्षा के विद्यार्थियों को स्कूल वर्दी की सिलाई के लिए 200 रुपये देने के निर्देश दिए हैं। अटल स्कूल वर्दी योजना के तहत वर्ष 2021-22 के लिए विद्यार्थियों को यह राशि दी जाएगी। विभाग ने मामले पर जिलों को 1 सप्ताह में रिपोर्ट देने को कहा है। वहीं गौर हो कि पहली से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए 8 लाख से ज़्यादा वर्दियों के सेट मंगवाए गए थे। गुज्जर समुदाय के आरक्षण रोस्टर से न हो छेड़छाड़, सरकार नहीं मानी तो दिल्ली में देंगे धरना। गिरिपार के हाटी समुदाय को अनुसूचित जाति का दर्जा दिए जाने के बाद गुज्जर समुदाय के विरोध के स्वर थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। समुदाय का कहना है कि सरकार के इस फैसले से उनके आरक्षण से छेड़खानी की जा रही है। वहीं आज जिला मुख्यालय में गुज्जर समाज कल्याण परिषद के अध्यक्ष हंसराज भाटिया ने पत्रकार सम्मेलन में बताया कि गिरिपार को अगर जनजातीय क्षेत्र घोषित किया जाता है तो गुज्जर समुदाय के लिए आरक्षित 7.5% कोटे में कमी आएगी, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं फिलहाल केंद्र सरकार ने हाटी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्रदान कर दिया है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त बोले, चुनाव कितने चरणों में होंगे इसका फैसला दिल्ली में लिया जाएगा।
मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने आज पीटरहॉफ में आयोजित प्रेस सम्मेलन में कहा कि हिमाचल विधानसभा के आगामी चुनाव कितने चरण में कराए जाएंगे यह फैसला आयोग दिल्ली जाकर लिया जाएगा। राजनीतिक दलों के नेताओं ने अवगत कराया है कि नवंबर मध्य में जनजातीय क्षेत्रों में बर्फबारी से चुनाव प्रभावित हो सकते हैं। वहीं जनजातीय क्षेत्रों की 3 सीटों में पहले चुनाव करवाने का सुझाव सभी दलों के नेताओं ने दिया है। पूरब बैंक मैनेजर ने जाली दस्तावेज पर लोन के नाम पर किया 80 लाख रुपए का गबन। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिला में विवादों में चल रहे कांगड़ा बैंक के पूरब ब्रांच मैनेजर पर एक ही परिवार के 4 सदस्यों के नाम जाली दस्तावेज तैयार करके 20-20 लाख रुपए के लोन के नाम पर गबन के आरोप सही पाए गए हैं, जिसके चलते स्टेट विजिलेंस एंड एंटी करप्शन ब्यूरो के स्थानीय थाना में आरोपी ब्रांच मैनेजर कमल देव भोगल, उनके 2 सहयोगियों संदीप कुमार और दिनेश डेविड के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। वहीं मामले की पुष्टि स्टेट विजिलेंस एंड एंटी करप्शन ब्यूरो के DSP अनिल कुमार मेहता ने की है। सुखराम परिवार को लेकर स्थिति साफ, अनिल भाजपा में ही रहेंगे, आश्रय भी करेंगे पार्टी ज्वाइन। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि PMO बात हुई तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तैयार थे, लेकिन मौसम खराब होने के चलते पायलट ने उन्हें होल्ड करने के लिए कहा। वर्चुअल संबोधन के लिए उनका आभार व्यक्त करता हूं। कई बार ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं कि कार्यक्रम रोकना पड़ता है। कुछ समय मंडी में मौसम साफ रहा, लेकिन चंडीगढ़ में मौसम खराब होने के चलते वह नहीं आ पाए। वहीं भीड़ जुटाने का जो हमारा लक्ष्य था वो पूरा हुआ, इसके लिए युवाओं का आभार। CM मंडी में पत्रकार वार्ता में बोल रहे थे। प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा कि रैली में 1 लाख युवाओं की भीड़ जुटाने का लक्ष्य पूरा किया गया, कुछ तो रैली स्थल तक नहीं पहुँच पाए। रोहतांग, बारालाचा में बर्फबारी, शिमला सहित कई जिलों में झमाझम बरसे बादल। हिमाचल प्रदेश में येलो अलर्ट के बीच आज रोहतांग, बारालाचा और CB रेंज की चोटियों में ताज़ा बर्फबारी हुई है। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के कई जिलों में बादल झमाझम बरसे हैं। मानसून के विदा होने से पहले प्रदेश में मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। लगातार बारिश से मौसम में ठंडक बढ़ गई है। शिमला, सिरमौर, कांगड़ा, चंबा और मंडी जिला के कुछ क्षेत्रों में कल बाढ़ आने की चेतावनी जारी की गई है। वहीं कल भी प्रदेश के कई क्षेत्रों में भारी बारिश होने का येलो अलर्ट है। 28 सितंबर तक मौसम खराब बना रहने का पूर्वानुमान जताया गया है। तो ये है आज दिन भर के मुख्य समाचार। तो प्रदेश की ताज़ा खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।